हाँ एजाज। अरे अफजल आप बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ, कोई दिख नहीं रहा घर में? वाइफ वाइफ कहाँ है तेरी? वाइफ तो उसकी मम्मी की गई है। मैं तो सोच रहा था तुझसे मिला हूँ। ये देख अपना शेर है। वाह यार काफी बड़ा हो गया तेरा बच्चा तो। लेकिन तेरा अभी तक बच्चा नहीं हुआ। हाँ यार हमारे औलाद नहीं हुई है, 8 साल हो गए। वाइफ के और तेरे दोनों में से पता नहीं किसी एक की तो दिक्कत है। हाँ पता नहीं है दिक्कत। सुन आजकल वो नया सिस्टम चल गया टेस्ट ट्यूब बेबी, उससे बच्चा हो जाएगा तेरे। और तेरे को जो बहुत से लोग नामर्द कहते हैं ना वो भी नहीं कहेंगे। मुझे कोई नामर्द बोले सुन लूंगा, मेरी बीबी को कोई बुरा बोलेगा सुन लूंगा। मैं कभी इस चीज से बच्चा पैदा नहीं करवाऊंगा। मैं करवा दूंगा तेरा काम, आधे पैसे मुझे दे देना। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले ले, लेकिन ये गलत काम करने की सलाह किसी को मत दे। और ये हमारे इस्लाम में सख्त हराम है। फिर तुम दोनों माँ बाप कैसे बनोगे? तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। जब अल्लाह फकीर को बादशाह बना सकता है और बादशाह को फकीर बना सकता है, तो मुझ जैसे बे औलाद आदमी को बाप भी बना सकता है। और शायद तुझे पता नहीं, अल्लाह ने हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 90 साल बाद औलाद अदा की। अगर मैं इससे अपनी औलाद पैदा करवाऊंगा ना तो वो हराम होगी। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मैं एक दिन बाप जरूर बनूंगा इंशाल्लाह। अरे नहीं मिल रहे यार पैसे। पैसे तो यहाँ भी नहीं है यार। फिर कहाँ गए यार पैसे? इस रूम में हम तीनों के अलावा कोई आता भी नहीं है। मैं इंसान का चेहरा देख के पहचान लेता हूँ कि कौन चोर है। ये कब से चुपचाप बैठा, यही चोर है। चोर साले निकल यहाँ से बाहर। मैं चोरी नहीं की है। निकल बाहर और आना मत आज के बाद यहाँ पर। एजाज चल अपन होटल पे खाना खाने चलते हैं। यार उस दिन हमने यूनुस पे गलत इल्जाम लगा दिया था। ये 20,000 रुपए मुझे मेरी पेंट में मिले। बढ़िया ना मिल गया, तो आज तू देगा पार्टी। यार यूनुस को बुलाते हैं, उससे माफी मांगते हैं और उसको भी साथ में लेके चलते हैं। अब वो कैसे आ सकता है, वो तो मर चुका है। क्या बोल रहा तू? मैंने तो मोहल्ले में सुना है। हेलो आंटी, यूनुस को क्या हुआ? कुछ दिन पहले उसकी रिपोर्ट में आया था कि उसे कैंसर है। जब से वो किसी से बात नहीं करता था, उसका दिल तो तुम दोस्तों के साथ लगता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो इसलिए चुप था क्योंकि उसे कैंसर था। हमने अपनी गलत फहमी की वजह से अपने खास दोस्त को खो दिया। आजकल हम अंदाजा लगाकर किसी को भी गलत समझ लेते हैं। और तू क्या बोल रहा था, इंसान को इंसान का चेहरा देख कर पहचान लेते हैं? तू तो बेवकूफ है यार। इंसान को उसका चेहरा देख कर नहीं, इंसान को उसका दिल देख कर पहचाना जाता है। अच्छा तो आ गया, काफी टाइम हो गया था। तेरा लड़का है क्या ये? क्या फायदा इसी औलाद का जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा? अरे तो ऐसे कैसे बोल रहा है? बहुत बड़ा क्रिकेट खेलता है लेकिन घर का शेर है। स्कूल वाला टीम भेज रहे हैं, स्कूल की टीम में जाने के लिए मना कर रहा है। बेटा मुझे बता क्या दिक्कत है तुझे? अंकल मैं नर्वस हो जाता हूँ। जिंदगी में अगर पहले से हार मानने लग जाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे तेरे पापा और मैं, हम दोनों कुछ नहीं कर पाए। मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता था और मुझे बड़ा एक्टर बनना था, लेकिन कैमरे के आगे आने से डरता था। आज मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। बेटा जिस काम में रुचि हो वही काम करना चाहिए, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है उसके साथ, आएगी उसके समझ? बेटा तो हमारे देश से प्यार तो करता है ना? हाँ, अपने भारत देश से बहुत प्यार करता। तुझे अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे देश के लिए एक महान खिलाड़ी जरूर बनना होगा बेटा, और तुझे देश का नाम रोशन करना होगा। पापा सर को फोन कर दो और मेरा क्रिकेट टीम में नाम लिखवा दो। तुझे क्यों हो रहा है यार? टेंशन में चल रहा हूँ, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है यार। तेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ना आगे से, तेरा भाई तेरे हमेशा साथ रहेगा, मेरा वादा है। शुक्रिया यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। अरे वो यूनुस आ गया, उससे मेरे पैसे लेने उधारी। कहाँ जा रहा है? पैसे दे मेरे, जो उधारी लेते तूने। अरे दे दूंगा यार, खा के तेरी बक रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अबे जरूरत तो मुझे अभी है, बरानी है वही है जिससे मुझे उधारी के पैसे लेने। इसको अंदर लेके चल। अरे छोड़, जान से मारोगे क्या? मैं दे दूंगा यार तुम्हें पैसे। हमेशा ऐसे ही करता है, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब ये तो मर गया तो जेल हो जाएगी अपन को। अबे कहाँ जा रहा है? अबे तूने तो कहा था तू मेरा हर मुसीबत में साथ देगा, अब आखिरी वक्त में मुझे छोड़ के भाग रहा है। जाओ मत आने तेरा। अबे जिंदा कैसे हो गया? आज के दौर में तुम जैसे दोस्तों में गद्दार बहुत है, इसलिए हमने तुझे परखने के लिए एक छोटा सा ड्रामा किया था और तूने कहा था तू मेरा हर मुसीबत में साथ देगा। इंसान को मतलब होता है इसलिए दिखावा करता है। इस दुनिया में इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। निकल जाए यहाँ से गद्दार। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। अरे भैया मेरे पैर में तकलीफ है, इनका ऑर्डर है, गेट बजा दो यार। अरे जज। हाँ भैया आपने ऑर्डर दिया था ना मोबाइल का, वो आया है। ऑर्डर? मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया भैया। आपने ऑर्डर नहीं किया, चलो फिर कैंसिल कर दो। कैंसिल? मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, मैं कैसे कैंसिल करूँगा, आप ही कर दो। चलो आपको नहीं पता, मैं कर देता हूँ। एक OTP आएगा वो बता देना। ठीक है भेजो, मुझे काम भी है, जल्दी करो। OTP आएगा वो बता दो। 9342 57। डन भैया, सॉरी वो मैंने आपका टाइम खराब किया, मिस्टेक हो जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ के ऑर्डर आए थे यार। इधर वो आया था क्या गाड़ी वाला, वो पता नहीं कौन सा ऑर्डर कैंसिल और मेरे पैसे उड़ गया अकाउंट से यार। आईफोन लेकर आया था वो। अबे उसने मेरे 50 लाख रुपए उड़ा दिए मेरी जमीन के। भाई उसने अपनी सोसाइटी में 4-5 लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। मैं तो बर्बाद हो गया।